दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कुछ लोग गुड़ खाइए, कुछ लोग काकवी खाइए, माने जिसको राब कहते हैं। जितना जाड़े का समय है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं। दही में राब खाइए, दूध में राब खाइए, हलवा राब का बनाइए, गुड़ का हलवा बनाइए, गुड़ दही में खाइए, गुड़ दूध में खाइए। अब गुड़ को दूध और दही में खाने का नियम है वो बागवत जी कहते हैं। वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए, दही में मिला के गुड़ खाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दही में मिला के खाइए। तो दूध में कैसे खाएंगे जी? दूध में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजिए, पीछे से दूध पी लीजिए, या दूध पी लिया पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए। दूध में गुड़ मिला नहीं सकते, और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाइए। आप में से कोई बिहार वाले हैं ना, तो वहां पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है, उसका नाम है दही चूड़ा। दही चूड़ा ही कहते हैं, चूड़ा। ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्भुत है जो दुनिया में शायद कहीं ना हो। मिथिला में, मिथिला माने एक एरिया है बिहार का, करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं। उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं। तो मैं भी मेहमान जैसा ही रहता हूं, तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है। तो वो दही डाल के लाते हैं, ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं, दही के ऊपर गुड़ रहेगा। तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आओ, तो वो कहते नहीं नहीं आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा। तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था, अब जब ये मुझे पता चला बागभट्ट चिकित्सा का, तब मेरी अकल में आया कि वो सब बागभट्ट के चेले हैं, दही में गुड़ मिला के पहले से ही चिवड़ा पे रख के लाते। तो दही में गुड़ मिला के ही खाइए, अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड़ मिला के ही खाइए। तो दही के कई दोष जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खत्म हो जाते हैं, और दूध में गुड़ कभी भी मत मिलाइए। एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूध खाली पी लीजिए, गुड़ आगे पीछे खा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में। गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है, तिलपट्टी कहते हैं, गजक, गजक। तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है। गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय है, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है, तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है वो खाइए, बच्चों को खिलाइए। और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो 3-4 महीने हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं, तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते हैं कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। हां, आपको डर है ना, तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है, तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL। ये मोटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है। HDL जैसे ही बढ़ेगा मोटापा अपने आप कम होगा, पेट अंदर ही जाएगा। आप में से कोई भी मेरे कहने पर 3 महीने एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तिल चबा चबा के खाइए, खाने के बाद 3 महीने के बाद वजन नापेंगे, 8-10 किलो कम मिलेगा, कम से कम इतना कम मिलेगा। खाना खाया, खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह तिल खाइए, और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिलेगा। काला तिल एक है, सफेद, काले की गुणवत्ता सफेद से भी ज्यादा है। लेकिन ये इन्हीं 4 महीनों में, गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्रॉब्लम आएगी। बागवत जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है, ये फरवरी तक चलेगा।
तो फरवरी तक, और कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है, होली होते ही तिल कम करिए या खत्म करिए, फिर कुछ और चीज आएगी, वो क्या आएगी वो मैं बता दूं। लेकिन आप ये करके देख लीजिए, चार चीजों को ज्यादा उपयोग आप करेंगे, वजन आपका कम होता जाएगा, पेट का अम्ल कम होता जाएगा, घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं ना डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया, जी यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या है, अम्ली ही तो है, तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है तो गांठ के सब जो मने जोड़ों के दर्द आपको कम करने हैं तो इनके लिए ये सब चिकित्सा बताई है, तिल है, गुड़ है, और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है, शहद में भागवत जी कहते हैं छोटी मधुमक्खी का शहद, बड़ी का नहीं, तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।